Hi, I'm Leher Khan and you're watching me on Filmy Beat. Are you ready, girl? Good to go, chief. आपको कुछ idea है जवान2 के बारे में? Zero idea. और आपको कैसे लगता है कि अगर होगा भी तो मैं यहाँ बताऊँगी आपको? Like मतलब उनका witty sense of humor वो सब already famous है ही, but वो है वैसे ही है, literally वैसे ही है. अगर आप उनके एक fan हो और फिर आप उनसे मिलोगे तो आप उनके और बड़े fan बन जाओगे. ये मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ because he is that kind of person. One is Manoj Bajpayee sir. I really want to work with him. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtuza Iqbal and today I'm with an actress. Actually, मैं उनका intro थोड़ा अलग वे में देना चाहता हूँ. Are you ready, girl? Good to go, chief. Can't even match like 0.009% of Shah Rukh Khan. So, but I thought चलो इस तरीके से शुरुआत करते हैं इस interview की. So, hi Leher, welcome to Filmy Beat. Thank you so much. First of all, I would like to start by asking you this. किस तरीके का response रहा है? I'll tell you something that I saw in theatre. थोड़ा स्पॉइलर है, अगर पिक्चर नहीं देखी तो जाके देख लेना. सो व्हेन यू हिट द मैन विद दैट थिंग, लोग चीखे थे थिएटर में. सो ए यो करके, सो दैट काइंड ऑफ रिस्पांस, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई सॉ. व्हाट हैज बीन रिस्पांस? आई आल्सो सॉ दैट एंड आई वाज क्वाइट blown by it, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि मतलब उस पर भी लाइक लोग जा रहे हैं शाहरुख सर को देखने के लिए, तो मेरे शॉट पे कोई क्यों इतना. एंड इट वाज वेरी सरियल फॉर मी बिकॉज मैं वैसे बैठी हुई थी और not expecting that, and I'm like, people are probably in emotions, crying and all that, and suddenly, and I'm like, for me? Okay, so I was like, this is happening for me, really. So, yeah, so like the response has been very unexpected because, you know, when you're a part of Shah Rukh sir's film, and even though, of course, that girl gang is equally important and very big, but still, you know, it's Shah Rukh sir, and I've grown up watching him and everything. So you know that you tend to think कि हाँ audience जो आएगी वो एक तो उनको देखने आएगी, तो उसके बीच में अगर आपको भी कोई देख के सीडी बजा रहा है तो और क्या चाहिए. तो response तो बहुत बहुत अच्छा रहा है, and even till now, like everybody's complimenting a lot performance wise, plus the fact that movie ke andar, you know, girls go and the way everything is approached, yeah. har ek message, har ek cheez, plus a lot of people are sending me Jai Jawan, Jai Kisan, so I'm like yes. so ha, bahut acha ja raha hai response, bahut hi. You know, I know ki aapne bahut interviews mein baat kar li ki first scene kaisa raha, ye wo. Now I want to know this. How was it to be with Shah Rukh Khan off screen? वो कैसे थे? On set तो आपका पहला scene मैंने सुन लिया पीछे में. काफी. He just like took your props and he helped you. वो आपको जितना brief में बता सकते हैं. But I want to know how was it off screen जब shoot खत्म हो गया? Did he come and speak to you guys? How was it? He always does. He is. That's what I'm saying, that that's the best thing about him. अगर आप उनके एक फ़ैन हो और फिर आप उनसे मिलोगे तो आप उनके और बड़े फ़ैन बन जाओगे. ये मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन. वो आपको ना इतना वेलकम्ड और इतना इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं ना, मतलब व्हेन यू आर विद हिम दैट सडनली यू फील लाइक अरे मतलब आई हैव डन समथिंग, यू नो, इन लाइफ की शाहरुख सर इज बीइंग सो नाइस टू यू. बट ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, एंड इवन ऑफ स्क्रीन और भी ज़्यादा, बिकॉज उस वक्त हमें ज़्यादा मौका मिला उनसे बात करने का, उनके साथ चिल करने का, या फिर यू नो टू जस्ट गेट टू नो उनके लास्ट 30 ईयर्स उसके बारे में काफ़ी क्यूरियस क्वेश्चंस, क्या सर ये सर वो वाली फिल्म, ये वाली फिल्म, तो बहुत ही. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ही इज नेवर एवर सेड नो टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस और लाइक आई एम नॉट इन द मूड. इट्स ऑलवेज बीन लाइक ही इज ऑलवेज इवन मोर एनर्जाइज्ड टू टेल समथिंग मोर अबाउट इट कि अच्छा पता है फिर मैं ये भी, फिर मैंने सोचा ये भी, फिर इन बिटवीन उनको रियलाइज होता है, वो बोलते मैं पका तो नहीं रहूँगा किसी को, लाइक नॉट एट ऑल, सर प्लीज कंटिन्यू, वी वांट ऑल ऑफ दिस. तो उनके साथ ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फन बॉन्ड रहा है, इन अ वे दैट मूवी में जैसे वी आर हिज गर्ल्स, इवन इन रियल लाइफ ही ट्रीटेड अस लाइक हिज गर्ल्स. एंड वो हमेशा ऐसे ही बोलते भी थे कि माई गर्ल्स, यू नो, लाइक सो क्या कहते हैं कि उनके साथ मतलब ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी फ़न किया है, काफ़ी मस्ती करी हमने, काफ़ी मजाक किया है. और ये वाला चलो आपने बहुत बार सुन लिया तो मैं एक नया बताती हूँ. मेरा एक हाँ एग्जैक्टली, अब तो मूवी भी आ गया तो छुपाना भी नहीं है. तो मेरे ना ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हो रही थी लास्ट ईयर, एंड ट्रेलर आया था ब्रह्मास्त्र, पता नहीं किस ओवर कॉन्फिडेंस से मैं सर के पास गई थी कि सर आपने मेरे को ट्रेलर में देखा, एंड शाहरुख सर इतना कंफ्यूज हो गए ना, एंड ही लुक्ड एट मी एंड वी हैव सीन द ट्रेलर. मैंने 2 बार ही देखा ट्रेलर, इट लिटरली लाइक नहीं जल्दी फ़ोन लेकर आओ, दिखाओ मेरे को, दिखाओ. एंड यूट्यूब पर चलाया उन्होंने, देख रहा है and my shot came in. Now my shot is literally like it can go in a blink of an eye, you know. मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो गया, ठीक है. तो good thing उन्होंने नहीं किया, उन्होंने देखा बोरा, लेकिन obviously register नहीं हुआ. So मैंने ना एकदम मैंने कहा वो मैं हूँ ना. उन्होंने वही pause करके इतना confidence कहाँ से आया कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि इस शॉट के लिए यू हैव आस्क्ड मी टू यू नो लाइक नोटिस यू कि यहाँ देखा कि नहीं. मैं कैसे पता नहीं, आई जस्ट थॉट मैं बता दूँ आपको कि मैं भी ब्रह्मास्त्र में हूँ, ठीक है. सो ही सो स्वीट. वो बेचारे इतना स्ट्रगल करके पीछे उन्होंने किया, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अब मेरे को दिखाया, ये देख स्क्रीनशॉट लिया मैंने, भेजूँ तुझे भेजूँ. मैंने कहा नहीं सर मेरे पास ऑलरेडी है. सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, यू नो, लाइक यू कैन गेट थ्रू दिस हाउ लाइक मतलब उनका विटी सेंस ऑफ ह्यूमर वो सब ऑलरेडी फेमस है ही, बट वो है वैसे ही है, लिटरली वैसे ही है. तो वो बहुत ही एक और नया किस्सा. You know, first Shahrukh sir has movie, but there's Nayantara also. She is called the lady superstar. Yeah. And there is Vijay Sethupathi. So both of them are, I think, the biggest names in the Tamil industry. Yeah. How was it to collaborate with them? How are they on the sets? I mean, of course, I know Vijay Sethupathi sir के साथ इतना आपका interaction right. But with Nayantara, of course, she is there around. Yeah, so yeah, how has been that? What was her experience of working with Nayantara? So exactly, the lady superstar is the right thing to say. वो है, वो उनका, I think she has that aura and that energy of hers, which she carries everywhere, and it's quite inspiring also to look at that in a way, you know, like I'm just starting off, just a budding actor. So when I saw her, that the way she enters and the way she is, just the way she presents herself, it's quite magnetic and, you know, like very strong. Like you can sense like a strong vibe. So उनके साथ तो वैसे है. विजय सर एट द सेम टाइम ही इज़ बहुत शाय, बहुत क्वाइट. मैं उनसे जितनी बार भी इंटरेक्ट करी हूँ तो इंटरेक्शन ऑलवेज बिन लाइक इतने में हमारा हो गया कॉन्वर्सेशन. सो विजय सर के साथ येस ऑफकोर्स हम मतलब सबका ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज ही एंड्स अप कमिंग वेरी लेटर विद टू अस लाइक मतलब इन फ्रंट ऑफ अस. बट उतना भी था तो एक्चुअली मैं ना उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैंने सुपर डिलक्स जब से देखी थी तब से ऐसा सपना था मेरा कि अरे इनको कभी मिलना है, इनके साथ कभी काम करना है. तो एंड मैं बहुत लाइक इन जनरल मैं बहुत फिल्म देखती हूँ, लाइक बहुत ऐसा फुल बहुत ज़्यादा. तो आई नो अ लॉट ऑफ यू नो मलयालम सिनेमा एक्टर्स, तमिल. सो आई न्यू हिम वेरी वेल एंड सो आई वेंट टू हिम विद दैट कि ओ, बट देन आई रियलाइज दैट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी शाय एंड क्वाइट पर्सन, एंड आई माई सेल्फ आई वोंट कम अक्रॉस एज एन इंट्रोवर्ट सिंस इट्स अ इंटरव्यू राइट नाउ, बट आई एम इन जनरल एज अ पर्सन. So I could understand, and then, you know, like I was like, okay, I also feel this, I understand this. But as an actor, you know, like suddenly it's like a switch, and that switch is mind blowing. Like, and जब भी उनके scene होते थे ना, मैं तो monitor के पास बैठ जाती थी कि भाई मेरे को देखना है सिर्फ. And him and Shah Rukh sir together is just, it was like I was getting my audience experience there only when it was happening on set, because we all were just like looking, and there was just so much of clapping and so much of hooting happening on set. So I mean, both of them bring in very different energies, but they're both very nice people, very cute, very sweet, and very sweet actually, very very sweet to us also, like whenever we were around. So yeah. You know, as you said, came Brahmastra trailer, of course, a big camera surveillance, but you know, with Jawan, it was very different. चाहे वो प्रीव्यू हो, ट्रेलर हो, सॉन्ग्स हो, you all were there. Yeah. You know, and I remember Shah Rukh sir tweeting this also, that this is a movie about movement for men. I remember that. Yeah. So were you a bit surprised at that point जब preview या trailer आया, क्योंकि we all are there in songs also, we all are there, हमें दिखाया गया है. Because see, of course there is Shah Rukh Khan and there are Vijay Sethupathi, जरूरत नहीं थी, right? Exactly. A lot of makers would think कि क्यों दिखाएं. Yeah. But you all were there, you, Sania, Deepika, everyone were there everywhere in the preview. And everything. How was that feeling कि जब अपने आप को देखा कि ट्रेलर में भी एक सिंगल प्रॉपर शॉट दिया गया है, प्रीव्यू हो या सॉन्ग्स में भी मुझे दिखा गया, how was that feeling? So I remember at that time we were shooting for the song when the preview came out, and we were in the place of like thought-wise, I was in a place of course it's going to be about him. It's going to be his, because it was the first thing coming for the film. you know. So obviously, even from a director's point of view, it's obvious that he would like clear it out to people who are expecting Shah Rukh sir after a long time to be seen in a certain way. And मुझे वही लगा था कि मतलब review तो पूरा sir के ऊपर होगा and there will be a bits and parts of definitely Vijay sir and Nayantara and also Deepika. So, but we didn't expect, like not at all, and none of us did. I remember we were just jumping when we saw each, like all of us, all six of us, we saw our shots. Yeah, and that's how you're like, oh, we are also there in the preview, you know. So that was not expected. हम लोगों का बहुत कम like उस at least preview में नहीं था, trailer में भी new, because since in a way, you know, it's quite an important like gang which is a part of the film, and it also drives the movie at certain moments, you know, like. So trailer ka ek alag cheez thi, but preview ke time pe it was quite a shocker, because when it happened we were all like, and we would just start pausing and we were like are you know, it was not blink and miss, and it was not blink and miss, yeah, and just our faces, you know, like proper recognizable faces. It wasn't like a wide shot or something like that. So we got very excited, very happy, honestly. Right, you know, now I would like to notice that Madhav Bajpayee sir can't do, Shah Rukh Khan sir can't do. I mean, there's nothing about them. Ranveer Kapoor. Alia Bhatt. So many. I mean, of course, everyone. Ayaan Mukherjee, Atlee, Dharma, Red Cheese. हो गया भाई ये भाई. क्या बात है. But still, do you have this thing कि यार इस एक्टर के साथ अभी मतलब आई नो कि ड्रीम खत्म हो गया, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई नहीं है, बट स्टिल डू हैव दिस कि आई वांट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद दिस एक्टर और वर्क विद दिस डायरेक्टर, लाइक द ड्रीम. या आई एम वेरी ग्रीडी, आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर. मेरे को बहुत लोगों के साथ काम करना है, मेरे को सबके साथ काम करना है, मुझे तो ऐसे लगता है. बट अभी इन लाइक ऑनेस्टली आई जस्ट हैव वन मोर, देयर टू पीपल आई वुड से एक्चुअली. इट्स वन इज मनोज बाजपेयी सर, आई रियली वांट टू वर्क विद हिम. अगर उन तक मैसेज पहुंच रहा है तो प्लीज सर. एंड दूसरा एल से कमल हसन, आई एम अ ह्यूज फैन. सो ये दो तो डेफिनेटली है लिस्ट में. एंड आई थिंक शाहरुख सर के साथ तो मेरे को कितनी बार भी मिल रहा है, और प्लीज़ हम 10 बार और काम करते हैं दोबारा, मुझे कुछ वो नहीं है. सो हाँ, ये तो है. बट मनोज बाजपेयी सर और कमल हसन सर के साथ, शाहरुख सर के साथ दोबारा काम करने की बात करूँ, जवान 2 की हिंट मूवी में भी थी, अभी सर ने ट्वीट किया उसमें भी थी. कुछ बताइए, आपको कुछ आइडिया है जवान 2 के बारे में? जीरो आइडिया. और आपको कैसे लगता है कि अगर होगा भी तो मैं यहाँ बताऊँगी आपको? क्या ये भी हिंट था? बिकॉज हिंट पे हिंट तो आ रहे हैं. नहीं. And you know, I would like to know this. जैसे मैं I was seeing hope that you have already started with Jalpari because when you were a kid, if I count that you have been like 10, 11 years in this industry, but you haven't done much work. 4 films, like a proper four films. As a child actor also, or you know, maybe your parents or you, and after you started selecting your scripts, was it like you were choosing? कि 5-7 तो ब्रह्मास्त्र ने ले लिए, मैं समझ सकता हूँ. But were you like choosy कि I have to do something good only? Because child actor, I think, what past maybe you were shown like a proper teenager. It wasn't like a child thing. Child was properly child was Jalpari. Yeah. उसके बाद तो of course, but even with after past was 2 films only happened, like Brahmastra and Jawan. So were you like choosy कि I have to do good roles only? Very choosy. So one, I think, मतलब I would like to mention this, that I think it comes from a place that both my parents never forced that okay you have to now start working, you have to start burning. कभी नहीं किया. और कहीं ना कहीं वो एक स्पेस था मुझे भी घर में, जहाँ पे इट वॉज लाइक कि आपको जैसे करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू अकॉर्डिंगली. सो जलपरी के बाद आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जलपरी वॉज मोर लाइक अ मूवी डेफिनेटली, एंड मतलब वो तो बहुत अच्छी सी, इट वॉज माधव सर एंड लाइक यू नो नेशनल अवार्ड विनर बाय आफ्टर आई एम कलाम. बट जलपरी मेरे लिए शायद मोर लाइक अ वेकेशन थी, यू नो. आई वाज 11 इयर्स ओल्ड एंड आई वाज अरे 1 महीने की स्कूल नहीं जाना, छुट्टी है, यू नो, बॉयकट करा दिया, रोल ही थोड़ी और, बट ठीक है हो गया. तो उसके बाद आई थिंक आई वाज स्टिल इन दिस स्पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये करना है या नहीं करना है, एंड नॉट इन अ वे दैट नहीं करना है, मतलब आई हैड सो मच ऑफ फन that it stayed in me and I was like, हाँ, this is fun, okay, ऐसे कुछ होगा तो करेंगे, why not? And my parents were never like forcing me कि नहीं अब आपको यही career बनाना है. They were still like, you're still young, आप choose करो, आपको कुछ और करना है आगे जाके, आप वो करो. तो कभी वो pressure नहीं था. I think that was something that made me quite choosy also. And उसके बाद when Parched happened, Parched पार्श वो वाला एक एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आप चूज़ करते हो कि अच्छा ठीक है, तब तक तो एक्टिंग सॉर्ट ऑफ वाज चूजिंग मी। आई थिंक पार्श के बाद आई चूज एक्टिंग, आई वाज लाइक नहीं अब तो करना है, तो मेरे को नहीं छोड़ना। तो पार्श करते वक्त कहीं ना कहीं यू नो व्हेन आई सॉ राधिका दी, तनिष्ठा मैम, सुरवीन, दे आर सच फिनोमिनल एक्टर्स, शायनी, एंड आई हैव सीन देम परफॉर्म एंड हैविंग लाइक उनका ना अंदर से लाइक व्हेन दे आर परफॉर्मिंग इट वाज सो एफर्टलेस एंड सो लाइक इनटू इट व्हाट दे वर डूइंग कि उससे मेरे को बिल्कुल ऐसा प्यार हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाइक पीपल आर लिटरली क्राइंग विद देम ऑन सेट, कि मुझे हो गया था कि हाँ नहीं मेरे साथ भी रो, मेरे साथ भी हंस, मैं भी वैसा परफॉर्म करूँगी। तो वहाँ से वो डिसीजन लिया एंड यू नो आई टोल्ड पेरेंट्स लाइक बोथ माई पेरेंट्स कि मेरे को करना है। वी शिफ्टेड टू मुंबई एंड इट वॉज टेकिंग लाइक मोर, देयर वर लेस प्रोजेक्ट्स बट इफ यू सी देयर वर लाइक रियली गुड प्रोजेक्ट्स, एंड द रीज़न फॉर दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज I think you do require a good amount of patience in this industry as an actor or any other work also, honestly, but as an actor especially, because I feel like people end up getting extremely I think people start getting carried away with the fact जब एज एन एक्टर यू नो आने के बाद उनको लगता है जल्दी जल्दी, बट आई फील लाइक वो जल्दी जल्दी में बहुत जगह पे इट्स वेरी मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर टू द ऑडियंस व्हाट सॉर्ट ऑफ अ जर्नी यू वांट टू टेक, एंड इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी लाइक यू नो क्लियरली ये चीज़ थोड़ा चूज़ी रखा और डिसीजंस थोड़े चूज़ी रखे किस टाइप के कैरेक्टर्स करने हैं, कैसा करना है। बट इट्स ऑलवेज बीन अबाउट द कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट इन द फिल्म, वन, एंड टू लाइक इट्स होल्डिंग समथिंग फॉर मी इमोशनली एज एन एक्टर। Brahmastra recently completed a year. Yeah. Yes. Yeah, nice. So I have to say that Leher only does movies that win awards at international film festivals, and they become blockbusters at the box office. So, and you know, Brahmastra. I hope it continues to be like that. Yes, of course. Why not? So of course, Brahmastra took kind of 5 years. I don't know. Were you a part of the whole 5 years journey? Yeah. You were. How easy, difficult was it to be involved in a movie which takes 5 years? So the thing initially wasn't the plan for it. Of course, nobody plans here. Chalo ab. Let's sit. Let's take 5 years to make this film. It happened because of multiple things. Definitely COVID took 2 years, because before that we were done sort of with the shoot of the film, and and then plus it was very like heavily VFX. That. So it also takes time. मूवी का हम लोगों को भी नहीं लगा था कि इतना वक्त लग जाएगा, बट बनाते बनाते आई थिंक हाउएवर दे टुक देयर क्रिएटिव डिसीजन, उसके साथ साथ वो टाइम बन गया। नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू बी दैट लॉन्ग, क्योंकि मेरे साथ भी ये था, मैंने जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया था और मुझे ब्रह्मास्त्र मिली थी। सो एवरी ईयर एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस साल आएगी। फिर मैं कॉलेज से निकल गई, मूवी नहीं आई, तो वो कहीं ना कहीं सारे दोस्त और जितने भी लोग थे उनके लिए ऐसा हो गया था कि लहर मैंने कहा आएगी तो सही, ऐसा कहीं जा नहीं रही है। बट देन कोविड आ गया, एंड फिर कोविड की वजह से आई थिंक वो 2 इयर्स लेने भी बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अगर वो पहले ही रिलीज़ कर देते तो जितना भी आई थिंक वो इम्पैक्ट आया है मूवी का वो नहीं आ पाता। तो या तो बट प्लान तो नहीं था 5 साल, बट हो गई, ठीक है। Yes, I think, and अयान ने शेयर किया है पार्ट 2 एंड 3 का कांसेप्ट, क्रिएटिव, यस। सो कुछ आइडिया है व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन? क्या आपको बोला गया दैट यू विल बी देयर इन द सीक्वल? व्हेन यू ऑफर्ड द फिल्म, वाज इट ऑफर्ड टू यू एज अ ट्रिलॉजी? या सो वी कैन एक्सपेक्ट यू इन द सीक्वल. Should ideally should, but you never know that in the process of creatively writing it or whatever, however he feels like should be right. I was offered all the 3 of them because of the character, because the way the characters in the first two was more like introduction. Yeah, then second onwards it increases, so it ideally should be like that, but it is completely director's choice and however he likes. Right. So what's happening next apart from Jawan2 and Brahmastra 2-3? There are conversations and there are a few things, but I feel like I should bring it up once they are completely on floor. I would say that. So thank you so much for being with us, and all the best. Thank you so much. Thank you for having me.